मैच है वो समाप्त हो चुका है। और जो इंडिया के अगर स्कोर की बात करें दोस्तों, आज इंडिया ने 289 रन 3 विकेट के नुकसान पे बनाए हैं। दोस्तों बात करें तो ये मैच सबसे ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि ये मैच ड्रॉ होगा, लेकिन दोस्तों इस प्रकार से इंडिया इस मैच को जीत सकती है जिससे वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हिस्सा ले सकती है। तो दोस्तों आज बात करें तो आज के दिन के खत्म होते होते जो रोहित शर्मा थे वो फर्स्ट सेशन में ही बार्नस लाबुशेन ने कैच पकड़ा था और जो कुन्नेमन ने जो बॉल फेंकी थी जिसपे वो आउट हो गए थे। और बात करें दोस्तों उसके बाद दोस्तों लंच के बाद सेकंड सेशन में जो पुजारा थे वो भी 42 रन पे आउट हो गए। और उससे फिर थर्ड सेशन में जो ठीक समय ब्रेक था उसके बाद सुमन गिल भी आउट हो गए। और अब बात करें दोस्तों तो इंडिया विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ये दोनों मिलकर इंडिया का स्कोर बढ़ा रहे हैं और ये उम्मीद है कि कल इंडिया पूरे दिन खेलेगी और पूरे दिन खेलने के बाद वो जितने भी रन बनाएगी अगर वो विकेट बचा के अगर खेले तो आखिरी जो इवनिंग होगी उसमें वो चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा रन बना सके जिससे ऑस्ट्रेलिया को कम रन बनाने मिल पाए और इंडिया को उसकी बढ़त मिल जाए। तो दोस्तों अगर बात करें अगर फोर्थ डे इवनिंग तक पूरी इंडिया अगर खेलती है फिर उसके बाद फिफ्थ डे में ऑस्ट्रेलिया चाहेगी कि वो तेज खेल के वो लंच के बाद इंडिया को बैटिंग कराए। तो इंडिया को ये करना है कि जितना भी उसको 30 ओवर मिले उसे 30 ओवर में ही ऐसी कोशिश करनी पड़ेगी कि वो जीत सके। दोस्तों यही एक तरीका, नहीं तो और कोई तरीका नहीं है। या फिर इंडिया ऐसा कुछ करे कि सभी जो ऑस्ट्रेलियन बैटर है सेकंड इनिंग में आउट कर दे, जो कि इस पिच पे काफी नामुमकिन लग रहा है। तो यही एक चांस बनता है कि इंडिया आखिरी में जितने भी ओवर बचे उसमें तेज खेले और कोशिश करे कि वो इस मैच में जितने भी रन बने ऑस्ट्रेलिया बनाए वो उसको चेज कर ले। नहीं तो दोस्तों अब इंडिया की सारी उम्मीदें न्यूजीलैंड पर टिकी है। अगर न्यूजीलैंड कोई भी एक मैच जीत जाती है तो जिससे इंडिया